डिवाइस लगाओ कहीं, अब्बू को दो बोलो बैठ के, ये मुझे तार दो, जरा रिकॉर्डिंग करिएगा। यस मैम मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके क्लास, मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ आपका लेक्चर। अच्छा क्लास, आज आपकी नेक्स्ट जो है टेक्निक है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले आपने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस पढ़ी थी। आपका रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स का जो है ये कोर्स है, जिसमें आपने फर्स्ट टेक्निक जो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की पढ़ी थी। तो आज जो है वो आपका जो कि वो जो पिछली जो है उनकी एंड हो चुकी है, तो आज आपकी न्यू टेक्निक स्टार्ट होगी, दैट इज आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि अपनी अटेंडेंस जो है वो मैक्सिमम रखें, क्योंकि इसका जो स्टार्ट वाला लेक्चर है, अगर आपको वो समझ नहीं आता तो शायद आपके लिए इसकी डेफिनेशन समझना भी मुश्किल हो। तो आपने जो है वो थोड़ा सा क्लियरली, थोड़ा ओपन माइंड के साथ जो है इसको सुनना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करने में आसानी हो। ये थोड़ी सी जो है वो आपके पास मुश्किल टेक्निक है। अच्छा, अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि ये आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करेंगे कैसे हम एनालिसिस करते हैं, फिर आप इसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एग्जाम्पल जो है वो हमने चेक करनी है, वो क्या है कि आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन कर सकते हैं इन मिनरल ऑफ सोडियम हेलाइट। ठीक है, अब आपके पास मिनरल ऑफ सोडियम हेलाइट क्या है कि आपके पास सोडियम हेलाइड्स में आपको आपके पास कौन कौन से हेलाइड आते हैं, कुछ अंदाज़ा है कि सोडियम हेलाइड से क्या मीनिंग आपके माइंड में आता है? सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, जितने भी हेलोजन्स हैं अगर वो सोडियम के साथ कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट आता है सोडियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, उसको हम कहते हैं सोडियम हेलाइड। और मिनरल के अंदर क्या होता है कि ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा मिनरल मौजूद है, एक ऐसा और मौजूद है जिसमें सोडियम हेलाइड भी है, क्लोराइड भी है, ठीक है, ब्रोमाइड भी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर इस मिनरल के अंदर, यानी ये मैंने उस मिनरल का एक पीस ले लिया है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर से अगर सिर्फ आयोडीन की कंसंट्रेशन चेक करनी है आपने, सिर्फ आयोडीन की इस पूरे मिनरल के अंदर से, तो वो आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपकी लास्ट टाइम टर्म यूज़ की है, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन इन मिनरल ऑफ सोडियम हेलाइड, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पूरी और है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है, लेकिन आपने सिर्फ आयोडीन की कंसंट्रेशन चेक करनी है, तो आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। थोड़ी समझ आई है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? यस मैम ठीक है, अब ठीक है, अब yes, नेक्स्ट नेक्स्ट इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज ये करती हूँ कि ये जो मैंने मिनरल का जितना पीस लिया है ना, मिनरल का जितना पीस, उसका मैस है m ग्राम, जो मैंने आयोडीन का, मैं ये पूरी मिनरल का एक पार्ट लिया है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि एक रॉक का एक पीस होता है। ठीक है, आपने क्या किया कि पूरी रॉक के अंदर से एक छोटा सा पीस ले लिया है जिसके अंदर ये आपके पास तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है। चेक आप क्या कर रहे हैं, आयोडीन की कंसंट्रेशन। तो मैंने रॉक का जो पीस लिया है, जो टोटल मैंने मैस ऑफ मिनरल लिया है, उसको मैं कह देती हूँ कि ये एम ग्राम है। बात की समझ आ गई, ये मिलीग्राम नहीं है, ये एम ग्राम है। एम जो है वो मैं इस मिनरल के मैस को कह रही हूँ। क्लियर? यस मैम यस मैम ठीक है, हम अपने यस ग्राम मैम, में लिए हैं। मैंने मिनरल लिया है और उसका एक पीस लिया है, उस पीस के मैस को मैं एम कह रही हूँ, स्मॉल एम। ठीक है क्लियर मैम है? अब मैं ये कह रही हूँ कि ये आयोडीन जिसका मैस मैं डिटरमिन करना चाहती हूँ, उसको मैंने रेड में शो कर दिया, बाकी सब कुछ आपके पास वाइट में, वो आयोडीन जिसका हम मैस चेक करना चाहते हैं उसको मैंने रेड में शो कर दिया। ठीक है, उस आयोडीन के मैस को हमने डिटरमिन करना है यूजिंग आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो आपके पास आयोडीन है, ठीक है, अब पूरी जो आपके पास मिनरल है उसका मैस है एम ग्राम, और ये जो आयोडीन है, ठीक है, जिसका हमने मैस डिटरमिन करना है, ठीक है, उसको मैं कह देती हूँ कि वो M1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी भी मैं एब्रीवेशन जो है वो आगे लिख देती हूँ।
ठीक है। अब इस पूरी मिनरल के अंदर से जो आपका एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आयोडीन है, जिसका आप मास डिटरमिन करना चाहते हैं आउट ऑफ एम। टोटल मिनरल के मास में से आप एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट आयोडीन जो है उसका मास डिटरमिन करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है। ठीक है, अब जो आपका टारगेट है, मैं ये कहती हूँ कि ये जो आयोडीन है जिसका हम मास डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ये मास एम वन है। टोटल मिनरल का मास एम है और उसके अंदर से आप जो आयोडीन का मास डिटरमिन करना चाहते हैं उसको मैं एम वन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ आइडिया हुआ? यस मैम। ठीक है, तो टोटल जो आपका मास है मिनरल का वो मिलीग्राम है, सॉरी एम ग्राम है, और जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका आयोडीन है जिसका आप मास डिटरमिन करना चाहते हैं, उसको हम एम वन ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये जो आयोडीन की आप डिटरमिनेशन करेंगे क्वांटिटेटिव, वो आप आयोडाइड आयन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और या फिर आप क्या करें कि ये किसी तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर आयोडीन की फॉर्म में चली जाए तब भी आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अब मैस एम में से एम मैस ऑफ मिनरल के अंदर से एम वन मैस ऑफ आयोडीन आपने फाइंड करना है, जिसके लिए आयोडीन को आपने आयोडाइड आयन या मॉलिक्यूलर आयोडीन की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने करना क्या है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि ये जो आपके पास आयोडीन है इस मिनरल के अंदर उसको आपने डाइल्यूट करना है विद एनी वन ऑफ इट्स आइसोटोप। यानी हमने क्या करना है कि इसी आयोडीन का अनस्टेबल आइसोटोप इसी सैंपल के अंदर ऐड करना है। आपने मिनरल का जो पीस लिया, आपने उसको क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया, उसी के अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ी सी जो है वो आपने आयोडीन ऐड करनी है एक्सटर्नली, लेकिन वो आयोडीन आपके पास स्टेबल आयोडीन नहीं होनी चाहिए, अनस्टेबल आयोडीन या फिर आयोडीन का आइसोटोप होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर आपने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो आपने उसकी डाइल्यूशन कर दिया, तो इसी तरह अगर आपके पास पहले से आयोडीन है और उसी सैंपल के अंदर आप कुछ आयोडीन और ऐड कर रहे हैं और वो जो आप कुछ आयोडीन और ऐड कर रहे हैं वो आयोडीन का आइसोटोप है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक डाइल्यूशन। क्लियर? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन का एक और आइसोटोप इसी सैंपल के अंदर ऐड करेंगे। अब जो आयोडीन का हम आइसोटोप ऐड कर रहे हैं जिसको हम डाइल्यूशन कह रहे हैं, उसको हमने क्या करना है, चूज करना है। जैसे आपने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम आइसोटोप जो है वो चूज करते थे, ठीक है, चॉइस ऑफ आइसोटोप्स के लिए आपने कुछ पास्टुलेट्स पढ़े थे कि ये आपने फॉलो करने हैं जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप चूज करना है रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर, ठीक है, जिसमें आपने कहा था कि हाफ लाइफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसका वेस्ट डिस्पोजल का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर मेंशन थे। अब आयोडीन के आपके पास दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने देखना है वो हाफ लाइफ है। एक आपके पास आयोडीन 128 है जिसकी हाफ लाइफ 25 मिनट्स है, और एक आयोडीन 131 है जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज है। आपके ख्याल में अगर आप आयोडीन के मिनरल के अंदर से आयोडीन की कंसनट्रेशन चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा आइसोटोप जो है वो सुटेबल है? जिसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है 25 मिनट। हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट है तो फिर कौन सा सुटेबल हुआ? 128 वाला सुटेबल है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि हम ये वाला आइसोटोप चूज करेंगे, जो हम आइसोटोप की डाइल्यूशन करेंगे मिनरल की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनस्टेबल आइसोटोप ऐड करना पड़ेगा वो है आयोडीन 128। अब कॉमनली जो आपके पास आयोडीन अवेलेबल होती है स्टेबल आयोडीन वो 127 है, ठीक है, तो अगर आप आयोडीन 128 जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयोडीन 128 जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो कॉमनली अवेलेबल है आपके पास आयोडीन 127 है उस पर आप न्यूट्रॉन जो है वो फॉल करवाएंगे तो वो आयोडीन 128 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी आयोडीन 128। Yes, अब इस आयोडीन को आपने क्या करना है, इस आयोडीन के साथ ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपका जो सैंपल है, पहले से आपने जो एक मिनरल का पीस लिया हुआ है उसके अंदर आपने ये अनस्टेबल आयोडीन ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि किसी जगह पे तो आपके पास आयोडीन जो है वो स्टेबल फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन कुछ जगह पे आपके पास जो आयोडीन है वो 128 के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, आपने आयोडीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी ऐड करनी है, ठीक है, और मैस मेजर करके ऐड करनी है, उसका मैस भी आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, वो कितनी रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है वो भी आपके पास मेजर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप थोड़ी सी अनस्टेबल आयोडीन ऐड करेंगे तो किसी जगह पे तो आपके पास आयोडीन उसी ओरिजिनल फॉर्म में होगी, लेकिन किसी जगह पे आयोडीन जो है वो इस अनस्टेबल आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर मैम? हमने इसको भी सॉल्ट की फॉर्म में ऐड करना, सॉल्ट की फॉर्म में इसको ऐड कर सकते हैं या इसको फ्री फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मोस्टली इसको फ्री फॉर्म में ऐड किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, आयोनिक फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा सेफ है और फ्री फॉर्म में जो है वो इसको ऐड किया जाता है, क्योंकि मोस्टली इसको यूज़ उसी वक्त किया जाता है जब आपने एनालिसिस करनी हो, फ्रीली तो इसको यूज़ किया ही नहीं जाता। एक तो इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस कम है, दूसरा ये है कि रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए इसका जो कॉमनली यूज़ है वो कम है। इसको स्पेशली इसकी अरेंजमेंट्स बनाई जाती हैं जब इसको इस आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, तो तब इसको किसी भी फॉर्म में प्रिपेयर किया जा सकता है। क्लियर? यस मैम। अब देखें, आपके पास ये जो आयोडीन है जिसका आपने एक नोन मैस अपने सैंपल के अंदर ऐड किया है, उसका मैस भी आपको पता है, आपको उसकी जो रेडियो एक्टिव कैपेबिलिटी है रेडिएशन एमिट करने की वो भी आपको पता है, और आपके ही सैंपल के अंदर जो आपकी स्टेबल आयोडीन थी उसकी डाइल्यूशन भी हो गई है एक अनस्टेबल कंपोनेंट के साथ। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, अब ये देखें, आपका जो सैंपल है आपने उसकी डाइल्यूशन कर दी अनस्टेबल आयोडीन के साथ। ठीक है, अब आपने कैसे डाइल्यूशन की है कि एक नॉन मैस ऑफ आयोडीन 128 जो है वो आपने प्रोड्यूस करने के बाद अपने मिनरल सैंपल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, वो जो नॉन मैस आप इस अनस्टेबल आयोडीन का ऐड कर रहे हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एम स्टार से। जितना आपने नॉन मैस ऑफ अनस्टेबल आइसोटोप 128 ऐड किया है उसको मैं एम स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जिस भी अनस्टेबल आइसोटोप से आपने अपना सैंपल डाइल्यूट करना है उसके मैस को आपने एम स्टार से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये देखें, आपका जो मिनरल है अब उसके अंदर आयोडीन टू फॉर्म्स में अवेलेबल है। ठीक है, स्टेबल आयोडीन की फॉर्म में और अनस्टेबल आयोडीन की फॉर्म में, या फिर स्टेबल आइसोटोप की फॉर्म में, अनस्टेबल आइसोटोप की फॉर्म में। ठीक है, अब इन दोनों का मैस जो आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक का मैस हमने कहा है कि M1 है, ये आपने डिटरमिन करना है, और एक का मैस M स्टार है। ठीक है, जो कि आइसोटोपिक एलिमेंट है जिसको हमने कहा है कि हमने क्या करना है कि सपोज इसका अगर 1 मिलीग्राम ले रहे हैं, 1 माइक्रोग्राम ले रहे हैं, वो पहले से मैयर करके ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए नोन है। तो हमने करना क्या है कि आपका जो सैंपल है मिनरल सैंपल उसके अंदर आयोडीन प्लस आयोडीन 128 इन दोनों का कंबाइंड मैस डिटरमिन करना है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा कि हम एक जो टर्म है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। अच्छा, स्पेसिफिक एक्टिविटी का आपके पास जब मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई भी जो अनस्टेबल आइसोटोप होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, और उसकी जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसके लिए मैंने आपको एक यूनिट बताया था, काउंट्स पर मिनट। याद है काउंट्स पर मिनट क्या था? नहीं याद? जब मैंने आपको जीएम काउंटर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है कि जब एक आयन आयोनाइज होता है, ठीक है, जब आपकी ये जो न्यूक्लियर एमिशंस होती हैं ये किसी एक आयन को आयोनाइज करती हैं, तो वो एक आयन जो है वो एक करंट का यूनिट प्रोड्यूस करता है, यानी जब वो डिटेक्टर के साथ हिट करता है तो क्या करता है, करंट की फॉर्म में अपना सिग्नल शो करता है। तो एक सिंगल आपका चार्ज जो सिग्नल शो कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर एमिशन की आयोनाइजेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं कि ये वन काउंट है। ठीक है, और जो हर रेडियो आइसोटोप होता है उसके पास अपनी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, अपनी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जिसमें वो एक करंट का सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है या फिर आयोनाइजेशन काज कर सकता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हर रेडियो आइसोटोप की अपनी पर्सनल करेक्टरिस्टिक है, किसकी किसी की स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा है, किसी की स्पेसिफिक एक्टिविटी कम है। ठीक
ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी रेडियो आइसोटोप का 1 मोल जितनी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ आयोडीन होती है बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, मिक्स करने से पहले आपने जो उसका मास मेजर किया और जो उसकी एक्टिविटी थी जितनी ये न्यूक्लियर एमिशन कर सकता था, ठीक है, जो आइसोटोपिक डिलीशन एनालिसिस का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग होती है, ठीक है, वो आपके पास जिसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी बाय मास ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है, वो ए बाय एम स्टार है। ठीक है, एक्टिविटी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो आपका आइसोटोप का मास है उसको हमने पीछे एम स्टार से रिप्रेजेंट किया था। तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग है, ठीक है, जिसको मैं SA1 लिख रही हूँ, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर मिक्सिंग जो होगी आपके सैंपल की उसके इक्वल होगी। जो रूल है आपका वो क्या है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप है जो आपने ऐड किया है फॉर डाइल्यूशन यानी कि आयोडीन 128, उसकी मिक्सिंग से पहले जो एक्टिविटी है स्पेसिफिक एक्टिविटी वो मिक्सिंग के बाद वाली एक्टिविटी के इक्वल होनी चाहिए। कुछ समझ आई? यस एक्टिविटी मैम। आप कह रही हैं काउंट्स पर सेकंड, काउंट्स पर सेकंड, आयोडीन जो काउंट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही थी मिक्सिंग से पहले, यानी जब आपने, हम मैंने कहा कि पहले आपने इसका, इसको प्रिपेयर करना है आयोडीन 128 को, फिर इसका आपने मास मेजर करना है, फिर आपने इसको मिनरल सैंपल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो पहले जो इसकी एक्टिविटी थी जब आपने इसका मास मेजर करते हैं ना, तो साथ ही इसकी एक्टिविटी भी मेजर कर लेते हैं, तो जो इसकी पहले स्पेसिफिक एक्टिविटी थी, ठीक है, वो बाद में होने वाली स्पेसिफिक एक्टिविटी के इक्वल होनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास इक्वल। तो जो पहले आपके पास इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसके लिए फार्मूला है SA1 इज इक्वल टू ए बाय एम स्टार, क्योंकि पहले अभी आपने इसको M1 के अंदर ऐड नहीं किया, अभी मिनरल के अंदर ऐड नहीं किया एडिशन से पहले, ठीक है, जब आपने इसको मिनरल के अंदर ऐड कर दिया है तो आप इसके अंदर जो है वो अनस्टेबल आयोडीन के साथ साथ स्टेबल आयोडीन का मैस भी है जिसको हमने M1 कंसीडर किया था। तो मिक्सिंग से पहले अगर आपके पास सिर्फ एम स्टार था, तो मिक्सिंग के बाद इसका दूसरा कंपोनेंट भी तो है जिसके अंदर इसको मिक्स किया है, ठीक है, M1 आयोडीन का वो मैस है जिसको आप डिटरमिन करना चाहते हैं, ठीक है, और एम स्टार आयोडीन का वो मैस है जो आपने आइसोटोपिक डाइल्यूशन के लिए ऐड किया है। क्लियर हुआ? बट मैम उसकी एक्टिविटी कम नहीं हो जाएगी क्योंकि सिर्फ जो आइसोटोप होगा वही आयोनाइजेशन कर रहा होगा ना, जो जी स्टेबल जी आयोडीन है वो तो नहीं करेगी। मैं वही आपको बता रही हूँ कि बाय रूल कम होनी चाहिए, सॉरी बाय रूल कम नहीं होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, जो पहले एक्टिविटी है वो भी होनी चाहिए, लेकिन चेंज होगी, और जो चेंज होगा आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस के बाद उसकी बेस पे आप अननोन मास ऑफ आयोडीन को डिटरमिन करेंगे। ठीक है मैम। अभी मैं यहाँ तक ये बता रही हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी पहले थी आपके अनस्टेबल आयोडीन के मैस की, बाद में भी वही होनी चाहिए, होनी ये चाहिए बाय रूल, ठीक है, यानी SA1 SA2 के इक्वल होना चाहिए आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन जो आपके पास आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का रूल है जो आपको कह रहा है कि बिफोर मिक्सिंग एक्टिविटी आफ्टर मिक्सिंग एक्टिविटी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है कि SA1 आपका ए बाय एम स्टार था, ठीक है, SA2 आपका ए बाय M1 प्लस एम स्टार था, ठीक है, और आपने यहाँ पे अब क्या करना है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी के बजाय एक्टिविटी को ले लेना। अच्छा, एक है आपके पास स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसकी अभी मैंने बात की थी कि किसी भी अनस्टेबल आइसोटोप का 1 मोल जो स्पेसिफिक एक्टिविटी शो करता है, जो काउंट्स पर मिनट शो करता है, ठीक है, और एक होती है जनरल एक्टिविटी, ठीक है, ये उसकी उस केस में होती है कि अगर आप उसके उसके लिए किसी किस्म का फिजिकल या केमिकल इन्वायरमेंट चेंज ना करें, ठीक है, यानी आप उसकी मिक्सिंग ना करें, ठीक है, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आयोडीन 128 मौजूद है, आप उसके साथ किसी किस्म के और आइसोटोप की मिक्सिंग ना करें, उसके अंदर किसी किस्म का फिजिकल चेंज ना लेके आए, किसी के किस्म का इन्वायरमेंटल चेंज ना लेके आए, तो जो उसकी पर्सनल रेडिएशन एमिट करने की कैपेबिलिटी है उसकी बेस पे जो उसकी एक्टिविटी होगी वो उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप उसका इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो तब उसकी एक्टिविटी टू सम एक्सटेंट इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, तो उस वक्त जो उसकी एक्टिविटी होगी वो ए है, उसको आप सिर्फ एक्टिविटी कहेंगे। एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जो मटेरियल की पर्सनल है, जो उस वक्त होगी जब आप उसके लिए किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो चेंज नहीं करेंगे,
और एक उसकी जो है वो जनरल एक्टिविटी है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन के बाद होगी। ठीक है, दो टर्म्स है आपके पास, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक एक्टिविटी, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? यस मैम। तो अब स्पेसिफिक एक्टिविटी तो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम रह सकती है टू सम एक्सटेंड, 90% चांस है कि जो मटेरियल की पर्सनल स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद सेम रहे। लेकिन जो जनरल एक्टिविटी है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो मिक्सिंग से पहले और बाद में सेम नहीं रह सकती। ठीक है, डेफिनेटली मिक्सिंग से पहले उसका एनवायरमेंट और है, मिक्सिंग के बाद उसका एनवायरमेंट और है, तो जो जनरल एक्टिविटी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इस स्पेसिफिक एक्टिविटी को छोड़ देना है, क्योंकि ये मिक्सिंग से पहले और बाद 90% जो है वो सेम बिहेवियर शो करती है। अब आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी को छोड़ के इस जनरल एक्टिविटी को ले लेना। ठीक है, अब अगर मैं इस जनरल एक्टिविटी को फाइंड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या होगा कि जनरल एक्टिविटी लेने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिक की टर्म नहीं आनी चाहिए। स्पेसिफिक की टर्म अगर मैंने यहाँ पे नहीं लानी, ठीक है, तो मैं क्या क्या करूँगी, यहाँ से एक्टिविटी की वैल्यू डिटरमिन कर लूँगी, एक्टिविटी ऑफ आयोडीन बिफोर मिक्सिंग। तो ए क्या होगा, यहाँ पे एम स्टार डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। स्पेसिफिक एक्टिविटी को अगर मैं जनरल एक्टिविटी में कन्वर्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यस मैम। ठीक है, वो मैंने फाइंड कर लिया, एम स्टार SA1। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्टिविटी ऑफ आयोडीन बिफोर मिक्सिंग, और ये थी स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ आयोडीन बिफोर मिक्सिंग। अब इसी तरह मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास मिक्सिंग के बाद की एक्टिविटी है, इसकी भी मैं वैल्यू फाइंड करूँगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी के बजाय एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगी एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सैंपल आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो ये क्या था कि यहाँ पे M1+M* डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी दोनों की छोड़ दूंगी और एक्टिविटी की बेस पे मेयर करूँ मेयरमेंट करूँगी, क्योंकि हमने ये कहा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक पर्सनल करेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर चेंज आने का चांस जस्ट 10% है। तो चेंज मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद जो आएगा मेनली वो एक्टिविटी के अंदर होगा। हमने एक्टिविटी ले ली, अब मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे मैंने ये लिखा था ना कि एक्टिविटी ऑफ आयोडीन बिफोर मिक्सिंग और जो है वो सेम एक्टिविटी ऑफ आयोडीन आफ्टर मिक्सिंग के, तो इन दोनों की वैल्यूज आ गई है मेरे पास दोनों एक्टिविटीज की। ठीक है, तो हम दोनों की एक्टिविटीज को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज को इस एक्टिविटी में पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, इनको में से सिर्फ एक्टिविटी की वैल्यू जो है वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी। समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब इसमें से हमने डिटरमिन क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था मैम, इनका मास, मास डिटरमिन करना था हमने आयोडीन का, जिसको हमने M1 सपोज किया था। हमने M1 सपोज किया था उस आयोडीन के मास को जिसको आप डिटरमिन करना चाहते थे, और ये तो आपने खुद मैयर करके ऐड किया है, एम स्टार तो आपका नोन है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज भी आपकी नोन है, जो आपने डिटरमिन करना है, जो आपका टारगेट है वो क्या है कि आपने M1 डिटरमिन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस M1 को डिटरमिन करने के लिए, ये हमारा टारगेट है जिसको आपने डिटरमिन करना है बाय यूजिंग आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन की, इस तरह से कि हमारे पास M1 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, इक्वेशन आ जाए इसके लिए, तो उसमें हम क्या करेगा कि करेंगे कि ये जो आपका M1 है, ठीक है, उसको डिटरमिन करने के लिए SA2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से SA2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यस मैम। मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। यस। अब इसमें से हमें M1 चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमें इसमें से M1 चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी M स्टार है, यहाँ पे भी M स्टार है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करके M स्टार वाली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर सकते हैं। यस मैम, ऐसे जी हम इकट्ठा करेंगे M स्टार वाली दोनों वैल्यूज को। ठीक है, इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, इधर ये आपका M स्टार प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाए। कर सकते हैं। यस मैम। इधर अब आपके पास सिर्फ रह गया M1 SA2। अब इसमें से हम क्या करते हैं, M स्टार को कॉमन ले सकते हैं। यस मैम। ठीक है, M स्टार को आपने ले लिया कॉमन।
ठीक है, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसमें से m1 की वैल्यू डिटरमिन हो सकती है, फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं m1 के लिए। m1 की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऐसे 2m1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो m1 का फार्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस ऐसे 2 का मतलब क्या है कि ये इस टर्म पे भी डिवाइड हो रहा है और इस टर्म पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब सेपरेट करके लिखेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके पास जो ये वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1। तो आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। m1 का फार्मूला आ गया। यस मैम। अब अगर हमारे पास ये देखें, अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारे पास एम स्टार की वैल्यू हो, यानी आपने जो रेडियो आइसोटोप खुद से ऐड किया है उसका मैस आपको पता हो, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग आपको पता हो, स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो क्या होगा कि आप एम इस इक्वेशन में जो है वो वैल्यूज पुट करने के बाद m1 डिटरमिन कर सकते हैं, जो आपका अननोन मैस ऑफ आयोडीन है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने खुद से ऐड किया उसका मैस तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास अननोन मैस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं टोटल सैंपल के अंदर। ठीक है, आपका जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट था वो आयोडीन था, ठीक है, जिसकी आपने परसेंटेज फाइंड करनी थी सोडियम हेलाइड के पूरे मिनरल के अंदर। ठीक है, और उसको हमने m1 कंसीडर किया था और सोडियम हेलाइड के मैस को हमने m कंसीडर किया था। तो हमने क्या करना है, m1 डिटरमिन करना था टोटल m के अंदर, और m किसका मैस है, आपके पूरे मिनरल सोडियम हेलाइड का मैस है। ठीक है, तो सोडियम हेलाइड का मैस आपके पास m1 है। ठीक है, इसकी इसको जो है वो आपने डिटरमिन कर लिया, उसके लिए आपके पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या किया है कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को लिया है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, और जो आपने अननोन मैस था आयोडीन का उसको डिटरमिन कर लिया है नोन मैस ऑफ आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो कि आपने डाइल्यूशन के लिए ऐड किया था। इसी की आप परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, m1 की परसेंटेज इन टोटल सैंपल m। ठीक है, परसेंटेज का आपके पास फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय टोटल मैस ऑफ मिनरल इनटू 100। मैस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आयोडीन था, ठीक है, और टोटल मैस जो है वो आपके पास m था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसी जगह पे हम m1 लगा सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई? यस मैम। अच्छा चलें, अब जो है यहाँ से आपके पास जो है वो एक फार्मूला आ गया है जिससे आप डिटरमिन कर सकते हैं अननोन मैस को। ठीक है, अब ये आपका जो फार्मूला है इसमें आपके पास m1 की वैल्यू पहले से आपने कैलकुलेट की है, दैट वाज m स्टार इनटू SA2 बाय SA1 माइनस 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं m1 की जगह। Yes, ma'am. तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आई, ठीक है, m1 की। ठीक है, जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि रीअरेंजमेंट से एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली आया क्या है, दो फार्मूले हैं। एक फार्मूले में आप m1 डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे फार्मूले में आप m1 की परसेंटेज डिटरमिन कर सकते हैं। तो
तो जो आपके पास आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है, इसका यही पर्पज है कि आप क्या करते हैं कि किसी भी नॉन मैस ऑफ आइसोटोप को ऐड करने के बाद कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट का आप मैस डिटरमिन कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज डिटरमिन कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबल आइसोटोप बाय एडिंग अनस्टेबल आइसोटोप, या फिर क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ अ स्टेबल आइसोटोप बाय एडिशन ऑफ अनस्टेबल आइसोटोप और डाइल्यूशन विद अनस्टेबल आइसोटोप। बात की समझ आई? तो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का जो आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो इस डेफिनेशन के बेस पे आता है, ठीक है। वो डेफिनेशन जो है वो आप क्या बताती है इस पूरे फार्मूले के अंदर, ठीक है, कि अगर आपके पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास एम मौजूद है, यानी मैस ऑफ मिनरल मौजूद है, जो भी आपने सैंपल लिया है आप उसका मैस ले लें, जैसे रॉक का आपने जो पीस लिया आप उसका मैस डिटरमिन कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करें, ठीक है, मैस ऑफ सैंपल ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करना है, वो आपका जो है वो आपका टारगेट है जिसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको जो है वो आपका नोन होगा जब आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो आपका एम स्टार जो है वो भी आप क्योंकि मेयर करके ऐड करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज भी आपकी मेयर्ड होती हैं बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो समटाइम्स जो है वो मिक्सिंग के बाद जो है वो चेंज हो जाती है समटाइम्स। तो आपने क्या करना होता है कि अपने सैंपल के पास जो है वो गीगर मुलर काउंटर रखना होता है, ताकि स्पेसिफिक एक्टिविटी या काउंट्स पर मिनट के अंदर किसी भी किस्म का चेंज आए तो आप वहाँ से रीडिंग ले सकें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि अपने सैंपल को आपने सेपरेट करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ तक आपने क्या किया, आपने मिनरल का सैंपल लिया, उसके मैस को आपने एम का, उसके अंदर जो आयोडीन है जिसका मैस आप डिटरमिन करना चाहते हैं वो एम वन है, उस एम वन को डिटरमिन करने के लिए जो आपने अनस्टेबल आइसोटोप का मैस ऐड किया है वो आपके पास है एम स्टार, ठीक है। अब एम स्टार जो है वो आपके पास एक्टिविटी है, ठीक है, एम स्टार की एक अपनी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपका जो गिवन सैंपल है जिसके अंदर आपने आइसोटोपिक डाइल्यूशन कर दी है, उसके अंदर से आप आयोडीन की कुछ क्वांटिटी को सेपरेट करें। आप आयोडाइडाइन की फॉर्म में जो है वो इसको सेपरेट कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर आयोडीन की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो आप उसकी सक्सेसफुल मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अब एक्टिविटी बिफोर मिक्सिंग आपको पता है, लेकिन एक्टिविटी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो डिटरमिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे मिक्सचर के अंदर से जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, और आयोडाइड में भी फर्दर आपके पास स्टेबल और अनस्टेबल आयोडाइड है, उनका आप किसी तरह से मैस डिटरमिन करें, ठीक है। किसका मैस आपने डिटरमिन करना है, आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन को अगर आप थोड़ा सा उस ओवरऑल सैंपल से सेपरेट करेंगे तो उसकी एक्टिविटी मेजर कर सकेंगे ना आफ्टर मिक्सिंग वाली। बात की समझ आ रही है? यस मैम। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी आफ्टर मिक्सिंग एक्टिविटी है आयोडीन की, वो डिटरमिन करने के लिए आपको थोड़ी सी आयोडीन सेपरेट करनी पड़ेगी अपने सैंपल के अंदर से, ठीक है। तो कैसे सेपरेट करेंगे आप, या तो उसको आयोडाइड आयन की फॉर्म में सेपरेट कर लें, या फिर उसको मॉलिक्यूलर आयोडीन की फॉर्म में सेपरेट कर लें, फिर उसकी जो एक्टिविटी है उसको गीगर मुलर काउंटर से नोट कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेपरेशन होती है ना एंड पे, उसके लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड जो है वो प्रोसीड करना पड़ता है। केमिकल मेथड आप क्या प्रोसीड कर सकते हैं आयोडाइडाइन या मॉलिक्यूलर आयोडीन को सेपरेट करने के लिए, जब एक दफ़ा आप आइसोटोपिक डाइल्यूशन कर देते हैं अपने सैंपल के, ठीक है, सेपरेशन के लिए एक्टिविटी को नोट करने के लिए, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि आपका पूरा सैंपल एज इट इज़ था, आपने सिर्फ आयोडीन की कंसनट्रेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। आपने क्या किया कि सिर्फ आयोडीन को उसके आइसोटोप के साथ डाइल्यूट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ इस पूरे सैंपल के अंदर से आयोडीन को सेपरेट करना है, क्योंकि आपको सिर्फ आयोडीन की एक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो आयोडीन को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई केमिकल प्रोसीजर कैरी करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रोसीजर क्या कि जो आपकी अनस्टेबल आयोडीन है, सपोज मैं उसको आई स्टार से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, स्टेबल को सिंपल आई से, अनस्टेबल को आई स्टार से, ठीक है। तो एक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए जो मैं केमिकल मेथड जो है वो प्रोसीड करूंगी, उसमें मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, स्टेबल भी और अनस्टेबल आयोडीन भी, दोनों को सेपरेट करूंगी तो मेरे पास एक्टिविटी आएगी ना आयोडीन की।